रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को बुलंदियों तक कैसे पहुंचाया? अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए रतन टाटा? रतन टाटा ने घर की किचन में इस्तेमाल होने वाले नमक से लेकर आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाजों तक पर राज किया है। बिजनेस सेक्टर में एक नए कीर्तिमान स्थापित कर उन्होंने टाटा समूह को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। देश में ऐसे कई काम हैं जिन्हें पहली बार टाटा कंपनी ने किया। रतन टाटा का भारत के कारोबारी जगत में काफी अहम योगदान माना जाता है। इसी से रतन टाटा की शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश का हर नागरिक दिल में सम्मान करता है। आइए जानते हैं कि रतन टाटा का कारोबारी सफर कैसे शुरू हुआ और उन्होंने टाटा ग्रुप को बुलंदियों के मुकाम पर कैसे पहुंचाया। रतन टाटा पढ़ाई खत्म करने के बाद सीधे टाटा ग्रुप से नहीं जुड़े। उनकी पहली नौकरी अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन में थी। इसकी भनक उनके परिवार को भी नहीं थी जब टाटा ग्रुप के तत्कालीन चेयरमैन जेआरडी टाटा को रतन टाटा की नौकरी का पता चला तो वो काफी नाराज हो गए। उन्होंने रतन टाटा को फोन किया और अपना बायोडाटा शेयर करने को कहा। उस वक्त रतन टाटा के पास अपना बायोडाटा भी नहीं था। उन्होंने IBM में एक टाइपराइटर पर अपना बायोडाटा बनवाया और उसे जेआरडी टाटा के पास भेजा। इसके बाद 1962 में टाटा ग्रुप से आधिकारिक तौर पर जुड़े। वो भले ही टाटा परिवार के सदस्य थे लेकिन उन्होंने पहले निचले स्तर पर काम करके तजुर्बा लिया। रतन टाटा साल 1991 में टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। उनकी अगुवाई में टाटा ग्रुप ने कई बुलंदियों को छुआ। रतन टाटा ने 21 साल तक टाटा ग्रुप का नेतृत्व किया। उन्होंने 2012 में चेयरमैन का पद छोड़ दिया लेकिन टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील और टाटा केमिकल के चेयरमैन एमेरिट्स बने रहे। उनके मार्गदर्शन में इन कंपनियों ने बुलंदी के नए मुकाम को हासिल किया। बताते चले कि टाटा ग्रुप का कारोबार दुनिया में फैला हुआ है। इसका काम रसोई का नमक बनाने से लेकर आसमान में हवाई जहाज उड़ाने तक है। टाटा ग्रुप के पास 100 से अधिक लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं। इनका कुल बिजनेस तकरीबन 300 अरब डॉलर का है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिगंबर रतन टाटा अपने पीछे अनुमानित तौर पर करीब 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि रतन टाटा की परोपकार कार्यों में गहरी दिलचस्पी थी। उनकी दरियादिली का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में जाता है। ये दान टाटा ट्रस्ट होल्डिंग कंपनी के तहत होता है। रतन टाटा हर मुश्किल के वक्त में देश के लोगों के साथ खड़े रहते हैं, फिर चाहे 2004 की सुनामी हो या फिर कोरोना की महामारी।